हेलो फ्रेंड, हम लोग आज सुबह से द कश्मीर पिक्चर देखने निकले हैं, लेकिन कोई थिएटर में चल नहीं रहा है। एक शो चला रहे हैं ये लोग, शाम को 6 बजे और कुछ रात को 10 बजे, और आगे फ्रंट पे भी मल्टीप्लेक्स, यहाँ 2 मल्टीप्लेक्स है, दोनों के ऊपर कहीं कोई बैनर नहीं मारा है, कुछ नहीं मारा है, और थिएटर के अंदर भी कोई भी बैनर नहीं है, कोई एक पोस्टर नहीं लगा हुआ है कि पब्लिक को पता चले कि ऐसा कोई पिक्चर आ रहा है। ये देखो, मैं आपको थिएटर के अंदर का सीन दिखाता हूँ, अंदर भी कहीं एक भी वो पिक्चर का फोटो नहीं है। कहीं भी आपको द कश्मीर फाइल का एक भी बैनर, पोस्टर, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये कोई फालतू पिक्चर है? ये देखो, ऐसे पिक्चर का ये लोग पोस्टर लगाए हैं, लेकिन द कश्मीर फाइल का कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसी कोई पिक्चर आ रही है। मैं और मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त है, हम लोग सुबह 12 बजे से पिक्चर देखने के लिए निकले हैं। नेट पे, इंटरनेट पे ये लोग ने डाला है कि 3:30 बजे का शो है, नहीं चला है वो लोग। अभी 6:30 बजे का टिकट लेके बैठे हैं। टिकट थिएटर में पूरा हाउसफुल है, और आगे का टिकट मिला है 130 रुपये वाला, पीछे का तो हाउसफुल है, लेकिन कहीं भी पोस्टर नहीं। मुझे ये नहीं समझ पड़ रहा है कि ये पिक्चर के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। जो पिक्चर सच्चाई के ऊपर रियल स्टोरी बनाया है, लोगों को पता चलना चाहिए, उसका कोई ऐड नहीं है, कुछ नहीं है। अभी ये हमारे दोस्त ब्राह्मण जी हैं। सर, यह कश्मीर हमारे देश का अटूट अंग है, अगर उसके ऊपर कोई डायरेक्टर हिम्मत करके इतनी अच्छी मूवी बनाया है, उसको थिएटर में कहीं पे भी पोस्टर नहीं रख रहे हैं, थिएटर के अंदर भी कहीं पे भी पोस्टर नहीं रख रहे, इतना भेदभाव क्यों है? क्या डायरेक्टर ने पिक्चर बना के गुनाह किया, या किसी से डर के ऐसा सब हो रहा है इंडिया में? हमको रियल स्टोरी पता चले, हमको इंडिया में जानने का हक है कि ये इसकी क्या रियल स्टोरी है, लेकिन जो बताएगा उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। उसको ये इंडस्ट्री में इतने जिहादी हैं कि उसका सब कोई बाइकॉट कर दे रहे हैं, उसका पिक्चर का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मुझे सबसे बड़ा अफसोस है, मैं कपिल शर्मा का शो हमेशा देखता हूँ, लेकिन उन्होंने भी इसका मूवी का सपोर्ट नहीं किया। आज से हम दोनों ने नक्की किया कि कपिल शर्मा का शो नहीं देखेंगे। ओके। अभी हम थिएटर के अंदर जाएंगे, थोड़ा पिक्चर का सीन आपको दिखाएंगे। हाउसफुल है, आप लोग भी देखो, पूरा थिएटर हाउसफुल चल रहा है। देखना जरूरी है, अगर देखोगे सच्चाई मालूम रहेगा तो ही आप दूसरे से बात कर सकते हो, नहीं तो कोई भी कुछ भी चुतिया बना सकता है। बाय। पिक्चर देख के मैं घर पे आ गया। मैंने सोचा था कि बाहर आप लोग को सब दिखाऊंगा कि कहीं पे फोटो नहीं है, कहीं पे बैनर नहीं है, लेकिन लास्ट सीन देख के बोलने की क्षमता ही नहीं रही, मुंह में से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। अभी घर पे आ गया हूँ, मुझे 20-25 मिनट हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सदमे में ही हूँ, ऐसा सीन है सब। जिंदगी में बहुत सारी पिक्चर मैंने देखी, सीटी, चिल्लम चिल्ली, सब लोग चिल्लाते हैं, सीटी बजाते हैं, ये पिक्चर में सब शांति से खाली पिक्चर देखते हैं, किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग ने बहुत पिक्चर देखा होगा, एक हीरो 10 लोग को मारता है, उड़ जाता है, गोली का असर नहीं होता है, ये पिक्चर जाके देखो, आत्मा झंगोड़ देगी। अगर आप इंसान हो तो, अगर आप असली इंसान हो
तो आपको ये पिक्चर देखना चाहिए और आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है। ओके बाय।